नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए एक छोटा सा प्रयास है। प्रयास ये है कि जो हिंदू एडिटोरियल आते हैं या किसी भी न्यूज़पेपर में कोई भी आर्टिकल आता तो उसका जिस्ट हमारे जीएस पेपर मान कि 1, 2, 3, 4 के लिए महत्वपूर्ण होता है। और हालांकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि यूपीएससी मेंस में GS 2 और 3 और 4 में क्वेश्चन भी हमें मिल जाएंगे देखने को, ठीक है। लेकिन समस्या ये आती है कि हिंदी मीडियम का छात्र जिस दिन आर्टिकल आता है उसी दिन उस जिस्ट को नहीं पढ़ पाता है, क्योंकि वो इंग्लिश में थोड़ा हाथ उसका तंग देता है और जिससे वो थोड़ा कम्पीट कम्पीट करने में थोड़ा समस्या आती है। तो इसी समस्या को देखते हुए मेरा छोटा सा प्रयास ये है कि आर्टिकल आता है तो जैसे ही आपको एक जिस्ट के फॉर्म में आपको शॉर्ट में आपको उपलब्ध करा दिए जाए, ठीक। और जिससे आप अपने जीएस पेपर में सब टॉपिक में उसको इंक्लूड कर लें, ताकि आपके करंट अफेयर के टॉपिक निरंतर तैयार होते रहें उसी दिन, और जो ताजा ताजा माल मिलता है उसकी बात ही कुछ अलग होती है, ठीक है। पहली ये समस्या है। तो आज का जो पहला टॉपिक ये है कि फ्रीवी कल्चर क्या है बेटा। फ्रीवी कल्चर, फ्रीवी कल्चर क्या, जैसे राजनीतिक दल चुनाव आते हैं तो वादे करते हैं कि हम आपको पानी देंगे इतनी यूनिट, बिजली देंगे इतनी यूनिट फ्री, लैपटॉप देंगे, स्कूटी देंगे, आदि चीजें देंगे, लेकिन आप हमको क्या करो, वोट करो, ठीक। और ये बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी उठाई कि हमारा जो फ्रीवी कल्चर है वो देश की अर्थव्यवस्था को क्या कर देगा, बर्बाद कर देगा। मतलब हम भी श्रीलंका और पाकिस्तान की राह पर चल रहे हैं क्या? अगर ये सत्य है तो कितना सत्य है। तो इसी संबंध में हम देखेंगे कि ये क्या हमारे अर्थव्यवस्था के लिए कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, और हम आगे क्या कर सकते हैं, ये आगे क्या कर सकते हैं। तो ये वाला टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 से संबंध हुआ, मतलब कि इलेक्शन रिफॉर्म, ठीक, और पॉलिटिकल पार्टी, और GS 3 से संबंध होगा अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो दोनों पेपर से इसका लिंक है, ठीक। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव में हमारा संविधान, आप लोगों को पता होगा, कहता है कि कल्याणकारी राज्य बनना है हमको। क्या बनना है लाला? कल्याणकारी राज्य, मतलब कल्याणकारी राज्य बनना है। तो ये सिद्धांत कहाँ दिया होगा बेटा, बताओ। आप लोगों ने पढ़ा होगा डीपीएसपी में, डीपीएसपी में दिया है कि कल्याणकारी, हम लोगों का कल्याण करो। अब लोगों का कल्याण की दृष्टि से देखें तो फ्री भी हमारा सही है, बोलो सही है ना। सही है, मतलब लोग, असमानता दूर होती है। क्या दूर होती है बेटा? असमानता दूर होती है और धन का संकेंद्रण कम होता है और आर्थिक न्याय मिलता है लोगों को। और क्या मिलता है? सामाजिक न्याय मिलता है कि नहीं मिलता?
ये सब बातें कहाँ की गई है? आर्टिकल 39B में। ठीक, तो संविधान की दृष्टिकोण से, कल्याणकारी राज्य की दृष्टि से फ्रीबी देना, समाज कल्याण की दृष्टि से असमानता दूर करना हो, धन का संकीर्ण कम करना हो, आर्थिक न्याय करना हो, सामाजिक न्याय करना हो, तो ये फ्री वस्तुएं हम देते हैं, तो ये क्या है? सही है, मतलब संविधान के आदर्शों का पालन होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, कुपोषण दूर करना, और क्या, गरीबी दूर करना। इसी दिशा में हम क्या दे रहे हैं बताओ? पीडीएस सिस्टम है, अनाज देते हैं लोगों को, और क्या देते हैं, 6,000 रुपए सालाना आय देते हैं पीएम किसान योजना से, और क्या करवाते हैं, मनरेगा करवाते हैं, मन की काम करने का अधिकार है कानूनी। ठीक, और मिड डे मील स्कीम स्कूल में है, तो इससे क्या होता है, गरीबी दूर हो रही है, कुपोषण दूर हो रहा है। गरीबी कितनी है हमारी? 31% के आसपास है, मतलब हम सहारा देशों में गिने जाते हैं। दूसरी, तीसरी बात, मतलब आपातकाल, आपातकाल जैसे बेटा कि कोविड आया तो सरकार क्या दे रही है फ्री में? वैक्सीन दे रही है, और क्या दे दी है, एक सरकार ने योजना चालू की थी, कौन सी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत क्या 35 किलो अनाज दिया जाता था फ्री में। ठीक, और चौथी बात यह है, मान लो कोई चीज हम फ्री देते हैं, तो वो मान लो कोई व्यक्ति है, समाज है, वंचित समाज है, और खाना उसने खा लिया सरकार से, तो उसके पास जो पैसा बचेगा वो कहाँ जाएगा बेटा? बाजार में जाएगा और उसकी सुख सुविधाओं की चीजें खरीदेगा। क्या खरीदेगा? सुख सुविधाओं की चीजें खरीदेगा, तो इससे क्या होगा, आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, मतलब मांग बढ़ेगी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, तो हमारे देश में क्या सृजन होगा लाला? रोजगार सृजन होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, और पांचवा पॉइंट ये है कि मान लो समाज क्या है, को भरपेट खाना मिल रहा है, उसको सब चीजें मिल रही हैं, तो समाज में क्या मिलती है बेटा, स्थिरता उत्पन्न होती है, मतलब कि समाज अलगाववाद उत्पन्न नहीं करता है, समाज में क्या, दंगे नहीं होते हैं, समाज में क्या, संगठित अपराध नहीं होते हैं। मतलब ये क्या है, आंतरिक सुरक्षा का डायमेंशन आ गया। ठीक, और इससे संबंधित और भी पॉइंट हम निकाल सकते हैं, 5 पॉइंट मैंने आप निकाले, आप इसके अलावा और सोचिएगा, तो ये सारी चीजें क्या है, पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव है तो समाज को, मतलब कि अर्थव्यवस्था को क्या मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा, और संविधान के मूलभूत आदर्शों की प्रतिपूर्ति भी होगी। ठीक, तो पॉजिटिव, अब बात करते हैं कि इनका निगेटिव क्या है। निगेटिव ये है कि हम फ्रीवी देकर क्या श्रीलंका जैसी और पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं, मतलब स्थिति में जा रहे हैं, और श्रीलंका में क्राइसिस का मूल कारण क्या है, चीजें फ्री देना, क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि श्रीलंका बनते जा रहे हैं। दूसरा, मतलब लोकतंत्र की भावना ये कहती है कि वोट दो, लेकिन लोग फ्री चीजें देकर वोट मांगते हैं, तो लोकतंत्र की भावना क्या होती है, दूषित होती है। ठीक, मतलब कि क्या हो रहा है, पैसे से वोट मिल रहे हैं और लोग लालच से वोट दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, लोकतंत्र क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्षय हो रहा है लोकतंत्र का। दूसरा, मतलब कि जो ईमानदार करदाता है वो कहता है कि हमने तो आपको कर दिया, लेकिन आपने फ्री में चीजें दे दी, तो वो निराश होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट,
चौथा पॉइंट ये है कि कोई मान लो हमने लोन माफ कर दिया और बिजली का बिल माफ कर दिया, तो जो सेक्टर होगा एक बैंक वाला सेक्टर होगा और एक डिस्कॉम होंगे, वो घाटे में जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते, सेक्टर प्रभावित होते हैं। मतलब कि आप लोगों ने अभी देखा होगा कि डिस्कॉम सेक्टर तो प्रभावित है ही, और बैंकों की अर्थव्यवस्था खराब ही चल रही है कुछ बैंकों में, जैसे मध्य प्रदेश में देखा गया। तीसरी बात, मान लो कोई चीज हमने फ्री दे दी तो लोग क्या हो जाते हैं, आलस करते हैं, ठीक, तो भौतिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, भौतिक और शारीरिक, ठीक। पांचवी चीज हो गई कि संसाधनों की बर्बादी होती है। मान लो कोई पानी का कोई बिल नहीं आता तो पानी कैसा बर्बाद होता है कि नहीं होता, बताओ बेटा। तो संसाधन क्या होते हैं, बर्बाद होते हैं। और तीसरी अंतिम बात कि सरकार अगर फ्री देगी तो राजकोषीय घाटा होगा कि नहीं होगा, बोलो, बढ़ेगा, राज्य सरकारों की हालत देख लो। तो सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाएगी, क्या नहीं कर पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाएगी, तो इससे क्या होगा, देश की आर्थिक स्थिति गड़बड़ होगी। तो आगे क्या कर सकते हैं हम, आगे आगे क्या कर सकते हैं, बताओ। सबसे पहले जो पार्टी है, राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी है, उनमें आंतरिक लोकतंत्र मजबूत हो, क्या हो, लोकतंत्र मजबूत हो। दूसरा, धन बल का चुनाव में प्रयोग कम हो, और वोट विकास के नाम पर लिए जाएं, और पार्टी भी जागरूक हो और जनता भी जागरूक हो, समझ रहे हो बात को। और चौथा, सब विकास मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, लोगों को जॉब मिले, ठीक, और ब्लैक मनी पे लगाम हो, इस पे ब्लैक मनी, और लोगों की अभिवृत्ति परिवर्तन हो। ये टॉपिक कहाँ से आया बेटा, इथिक्स से आया, अभिवृत्ति परिवर्तन हो, मतलब कि लोग लालच में वोट ना दें, कि विकास और व्यक्ति को देखकर वोट दें कि व्यक्ति ईमानदार है या नहीं है, विकास करेगा या नहीं करेगा, ठीक। और चुनाव सुधार हो, जितने भी चुनाव पेंडिंग पड़े, चुनाव सुधार पेंडिंग पड़े हैं वो चुनाव सुधार हो। चुनाव सुधार में क्या क्या आ जाएगा कि एक बार चुनाव कराओ, बार बार नहीं, ठीक। दूसरा, फंडिंग में पारदर्शिता हो, और राजनीतिक दल को आरटीआई के अंदर लाओ, ठीक। ये सब बातें हैं, कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा मुद्दा था, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और जो आपके साथी हैं हिंदी माध्यम के उनको जरूर शेयर करना। ये मैंने मेहनत की है, इंग्लिश से हिंदी में लाया हूँ, जो टॉपिक है हिंदू में एडिटोरियल आया था उसका टॉपिक है, लेकिन ये सारी चीजें हिंदू में नहीं आई थी, मैंने उस टॉपिक को पूरा एक सब टॉपिक बना दिया है, राजनीतिक दल और इकोनॉमी में। इसकी अलग अलग डायमेंशन है, इसमें एथिक्स भी शामिल है, गवर्नेंस भी शामिल है, पॉलिटी भी शामिल है, इकोनॉमी भी शामिल है। तो चीजें चर्चा में रहती हैं, हमें चर्चा में चीजों से क्या निकालना है जो हमारे मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो, ठीक। और इसके बाद एक प्रीलिम की सीरीज भी लेके आऊंगा, तो आप लोग बने रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और परिवार के साथ मस्त रहें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।